लियो करो वात दिल्ली आप सरकार ना आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट थी विवाद में आया परंतु विवाद में आता पहला वीडियो केवी रीते वायरल थयो ने कोणे वायरल करी ए मोटो सवाल छे को हाई कोर्ट अने सुप्रीम कोर्ट थी पण ऊपर एवी कोर्टे ईडी ने समन्स पाठव्यू छे के आ वीडियो केवी रीते वायरल थयो। भाजपना प्रवक्ता शाहजाद पूनावालाए पोस्ट करेला वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करावता जोवा मळे छे। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ईडीए कोर्ट में एफिडेविट अने केटलाक फोटोग्राफ्स आपीने आ अंगे फरियाद पण करी हती। दिल्लीनी तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैनना कुल त्रण वीडियो सामे आवे छे आने सीसीटीवी फूटेज तरीके वर्णवामां आव्या छे। वीडियो में स्पष्टपणे जोई शकाय छे कि एक व्यक्ति सत्येंद्र जैनना पगमाता शरीर पर मसाज करावी रह्या छे। ईडीए थोड़ा समय पहला एवो पण आरोप लगाव्यो हतो के सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली रही है। वीडियो सप्टेम्बर महीना जणावामां आवी रह्यो छे। तिहाड़ जेल में चुस्त बंदोबस्त माटे जाणीती छे, अहीं अंदर चकलुई पण जई शकतुं नथी, बहारथी पण कोई आवी शकतुं नथी, तो पछी जेलना सीसीटीवी फूटेज जेलमांथी लीक केवी रीते थया अने कोणे कर्या, ईडीए कर्या, सीडीए कर्या कि कोणे कर्या, ते एक सवाल छे। क्यारेक जेलना वीडियो बहार आवी ना शके तो पछी भाजपे आ वीडियो क्यांथी मेळव्यो अने केवी रीते पोस्ट कर्यो ते एक मोटो सवाल छे। भारतीय जनता पार्टी शू ईडी साथे संबंध धरावे छे या तो ईडी अने भाजप एक ज छे, तेवा सवाल लोकोमां उठी रह्या छे। हालमां तो भाजपना प्रवक्ताओ आम आदमी पार्टी पर खूब ज प्रहार करी रह्या छे, परंतु आ वीडियो क्यांथी आव्यो, कोण लाव्यो ते अंगे सोमवारे कोर्टे समन्स पाठव्या छे। ईडीने ईडी जवाब आपशे कि आ वीडियो केवी रीते बहार आव्यो, कोर्टनुं उल्लंघन करतो आ वीडियो बहार आव्यो छे। समग्र देशभरमां खूब ज चर्चाओ चाली रही छे मीडियामां के जेलनी अंदर पण शुं मसाज थाय छे अने थाय छे अथवा तो ट्रीटमेंट करवामां आवे छे, तो आ वीडियो ने बहार कोण लावी रह्युं छे, ते सत्य बहार क्यारे आवशे ते जोवानुं रह्युं। सत्येंद्र जैन नो वीडियो वायरल थयो, तिहाड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मेळवतो वीडियो वायरल थता दिल्लीना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आव्या। सत्येंद्र जैन नी वारे ने कह्युं कि ट्रीटमेंट चालती होय तेनो वीडियो वायरल करी अने भारतीय जनता पार्टी शुं साबित करवा मांगे छे ते समझातुं नथी।